सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज सुबह सबसे पहले तो मुझे भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थली पर जाने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य था। वहाँ पर पवित्र भूमि पर जाकर एक अच्छा अनुभव हुआ कि किस तरह से इस पवित्र भूमि में भगवान वाल्मीकि ने, मैं कह सकता हूँ, रघुकुल परिवार को शिक्षा दी थी। जिस तरह से शिक्षा दी थी तो वो बहुत पवित्र भूमि है। वहाँ पर दर्शन करके बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। उसके बाद यहाँ पर वाल्मीकि परिवार की एक बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा समाज की ओर से निकाली गई थी और उसमें भी बहुत श्रद्धा भाव के साथ लोगों ने आयोजन किया है। उसकी हरी झंडी दिखाने का मुझको मौका मिला, उसकी शुरुआत करने का अवसर मिला। ये भी एक पुण्य की बात है। ये अवसर के साथ साथ अब मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण पंजाब के एक और महत्वपूर्ण विषय पर कुछ तथ्य सामने रखना चाहता हूँ कि किस तरह से मौजूदा पंजाब सरकार और पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री पंजाब की जनता को पुनः झांसे में फंसा रहे हैं। आपको याद होगा कि 2017 में जब पंजाब के चुनाव हुए थे, राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उस समय कांग्रेस ने चुनाव से 3 महीने पहले रोजगार कार्ड बांटे थे। कैप्टन साहब ने ये वादा किया था, कांग्रेस ने ये वादा किया था कि जी हमारी सरकार आएगी तो हम इस कार्ड के धारकों को, इस कार्ड के होल्डर्स को रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं दे पाएंगे रोजगार भत्ता देंगे। अब कांग्रेस को लोगों ने चुन लिया, कैप्टन साहब मुख्यमंत्री बन गए। 4.5 साल तक कांग्रेस ने या कांग्रेस के नेताजी मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी जॉब कार्ड की बात नहीं की। जॉब कार्ड को भूल गए, वो रोजगार को भूल गए, वो पूरी तरह से रोजगार भत्ते की बात भूल गए। उन्होंने 4.5 साल में एक बार भी बात नहीं की। 4.5 साल में जब लोग दुखी हुए और इस तरह के तमाम वादों को भूल गए, लेकिन मैंने रोजगार कार्ड स्पेशली कहा है, किसी विशेष संदर्भ में कहा है कि किस तरह से कार्ड देके लोगों के साथ झांसा किया गया था। अब कांग्रेस ने चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। चन्नी साहब मुख्यमंत्री बने तो वो भी अपनी पार्टी के रोजगार कार्ड को तो भूल गए कि हमारी पार्टी ने कभी रोजगार कार्ड दिया था, रोजगार भत्ते की बात की थी। रोजगार कार्ड की बात नहीं कर रहे चन्नी साहब। अब चन्नी साहब एक नया कार्ड लेके आ गए, एक नया कागज लेके आ रहे हैं लोगों के हाथों में देने के लिए। वो कह रहे हैं कि ये 5 मरला कार्ड है, 5 मरले का कागज है, हम इसको देंगे लोगों को, 5 मरला जमीन देंगे। ये एक और बड़ा झांसा रोजगार कार्ड की तरह से चन्नी साहब का लेके आए हैं, वो कह रहे हैं कि ये चुनाव हम जीत जाएंगे तो अगली बार हम आपको 5-5 मरला जमीन दे देंगे। इसके लिए लोगों को कागज दिए जा रहे हैं, 5 मरले का वो कार्ड है, एक तरह से कागज पकड़ाए जा रहे हैं लोगों के हाथों में। जमीन नहीं दे रहे, जमीन एक को भी नहीं मिली, जमीन नहीं दे रहे, कागज दे रहे हैं कि साहब ये जमीन का कागज देंगे, जमीन देंगे, इस कागज के आधार पे हम आपको बाद में जमीन देंगे जब चुन के आ जाएंगे दोबारा से। लेकिन जमीन तो देंगे नहीं, जमीन देंगे कैसे, जमीन तो देने की उनकी नियति नहीं है। मैं पंजाब की जनता से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कैप्टन साहब का रोजगार कार्ड एक बहुत बड़ा झांसा था, एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था, चन्नी साहब का ये 5 मरले वाली जमीन का जो कार्ड आपके हाथों में दिया जा रहा है, वो जो कागज आपके हाथों में दिया जा रहा है कि वादा है, वो भी एक बहुत बड़ा झांसा है। एक भी आदमी को जमीन नहीं मिली। ये जमीन की योजना एक्चुअली 1961 की है, 5 मरला की, सारे पत्रकार बंधु जानते हैं। 1961 से कांग्रेस ने और बाकी पार्टियों ने एक आदमी को जमीन नहीं दी इस योजना में, और आज भी चन्नी साहब जमीन नहीं दे रहे, जमीन देने के वादे का कागज दे रहे हैं उसके हाथ में। चन्नी साहब से भी मैं कहना चाहता हूं कि इतना झांसा क्यों दे रहे हैं आप लोगों को। आप तो 3 बार तो एमएलए रह लिए, मंत्री भी रह लिए, आपने अपनी विधानसभा में कहीं बता दो 1961 की इस योजना के तहत किसी को जमीन दी हो तो। अब योजना तो 1961 में बन गई थी, 5 मरले वाली, आज तक किसी पार्टी ने जमीन नहीं दी, आज चन्नी साहब भी नहीं दे रहे, जमीन देने के वादे का कागज दे रहे हैं। तो जैसे कैप्टन साहब ने कार्ड दिए थे रोजगार के, वैसे ही चन्नी साहब जमीन के कार्ड दे रहे हैं कि हम जमीन देने का वादा करेंगे, वादा कर रहे हैं, लेकिन जमीन नहीं मिलने वाली। लोगों को मैं कहना चाहता हूं
उतना ही फर्जीवाड़ा है इसमें भी जितना रोजगार वार्ड में फर्जीवाड़ा था, रोजगार कार्ड में फर्जीवाड़ा था। धन्यवाद। इसके बारे में आपको मैडम एक मिनट, इसका हाँ मैं अभी पांच मरले वाले पे कुछ सवाल है कुछ पत्रकारों के कुछ और। बिजली का बिल माफ हुआ है अभी बोल ही रहे ना, अभी तो करना चाहिए ना। लोगों के हाथ में जीरो के बिजली के बिल आए तो बात बने ना। दिल्ली में 83% लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं। नहीं, काम करने से चलती है। और आज केजरीवाल जी ने दिल्ली में ये करके दिखाया कि जो हम कहते हैं उससे ज़्यादा करके दिखाते हैं। दिल्ली में हमने जितने जितने वादे किए थे 5 साल में उससे ज़्यादा करके दिखाया, और अभी भी जो केजरीवाल जी की गारंटी दिल्ली में है उनसे ज़्यादा पे काम चल रहा है। देना, आम आदमी पार्टी के पास तो वहाँ 6 मंत्री होते हैं वहाँ कुल। खजाना इसलिए खाली है क्योंकि खजाना भरता है साफ सुथरी ईमानदार राजनीति से। कमीशन खाने से खजाना नहीं भरता। मिड डे मील में कमीशन खाएंगे और टैक्स इकट्ठा करने में पैसा बेईमानी करेंगे तो खजाना नहीं भरता। दिल्ली इसका अगला एक जीता जागता उदाहरण है अकेला, जहां 5 साल की सरकार में बजट हमारा 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ हो गया केवल 5 साल में। क्यों? क्योंकि ईमानदार राजनीति आई तो लोगों का जो लोग तो टैक्स देते हैं उसके टैक्स में इधर उधर चोरी हो जाती है। लोग तो ऐसा नहीं है कि आप बाजार से कुछ खरीद कर लाते हो आप टैक्स बिना टैक्स के ले जाते हो, आप माचिस भी लाते हो तो टैक्स दे के लाते हो। अब वो माचिस का तेल का नमक का टैक्स आपका दिया हुआ वहाँ पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा, असली चोरी वहाँ है और फिर उसके खर्च करने में चोरी है। एक बात, पेट्रोल डीजल का बात करते हैं, पेट्रोल डीजल जैसे बहुत महंगा हो गया है, तो क्या इसमें दिल्ली में महंगा है? नहीं, पूरे देश में महंगा हो रहा है, सारी दुनिया में सस्ता हुआ, सारी दुनिया में सस्ता हुआ, लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने जो टैक्स लगाए हुए थे मान लो 100 रुपये का था, सारी दुनिया में जब 80 रुपये का हुआ तो केंद्र सरकार ने वो 100 रुपये और 80 रुपये का बीच का टैक्स बढ़ा दिया। देखिए, जनता के पैसे को चोरी करने से अच्छा है कि उससे उसको फ्री बिजली दी जाए। जनता के पैसे को मंत्रियों के हैं बिजली फ्री मिलेगी और आम आदमी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेगा अपने घर में पंखा बल्ब चाहेगा तो उसको उसका पैसा देना पड़ेगा और मंत्रियों को फ्री मिलेगी जनता के पैसे से, ये तो ठीक नहीं है। ठीक तो यह है कि जनता टैक्स दे रही है, जनता टैक्स देती इसलिए। अरविंद केजरीवाल जी पूरी बात करके गए हैं उसके बारे में, और आम आदमी पार्टी के बारे में यह है कि जो बात करती है रिसर्च करके पूरा एक एक उस पर करती है। अरविंद केजरीवाल जी ने जितनी भी गारंटी दी है जितने भी वादे किए हैं यहाँ पे, आम आदमी पार्टी की आने वाली सरकार उन सारे वादों को पूरा करेगी और जिस तरह से दिल्ली में उससे ज़्यादा काम करके दिखाया उन वादों से ज़्यादा काम करेगी। दिल्ली में 400 नहीं, सबको दे रहे हैं। नहीं, कैसे देंगे आप? पंजाब में क्या आप अनाउंसमेंट करते हैं सभी वर्ग को देंगे? हाँ, वो तो अनाउंसमेंट किए हैं। 300 यूनिट कितने यूनिट देंगे? 300 यूनिट।
तो लोग थोड़ा सा कम खर्च करें। टैक्स भी उदा है पंजाब का, सबके सबके अपने अपने एनालिसिस हैं। कुछ हमारे एनालिसिस करने वाले मित्र ये भी बताते हैं कि आपने पिछली बार जल्दी कर दिया था। चलिए।